तो वहां पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ डिफीट सीधा जगह पे। अरे क्या बात कर सर, तुम तो बकवास कर, सागर भी एक ही नहीं होता। बट मुझे पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, फिर भी सर एक ही नहीं मार रहा। एक मिनट लाइन भूल गया भाई, मेरी तो फट गई, पता है क्या हो रहा है, नर्वस सडनली कभी कभी होता है। तो सामने वाले क्या होता है, रट्टा मारो ना, बोल दो ना जो आपने किया उसको, तो सही किया। लेकिन आदमी को सीखना तो मिला कि यार मैंने कैसा किया, सामने वाले ने कैसा किया। जो आपने ऑब्जर्व किया आपको पता चला कि उसने कितनी फीलिंग का अटैच किया, उसकी फीलिंग क्यों थी, वो तो कंफर्टेबल था। आज अगर मैं जो बात कर रहा हूँ मैं अपनी फीलिंग के साथ बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे को जितने भी टॉपिक्स आपको सिखाने हैं उसके अंदर मैं जितना अच्छा हूँ डेप्थ में जाता रहूँ, जाता रहूँ, जाता रहूँ, जाता रहूंगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक टाइम लिमिट है कि हर चीज को मैं काट टूट के आगे बढ़ाता रहूँ। आपको जब बिजनेस कोचिंग करता हूँ तो उसमें वो बात चलती रहती है। हर टॉपिक का अलग अलग हिसाब किताब है, हर टॉपिक का अलग अलग एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्लेनेशन चलता रहता है। कॉलेज यू ऑब्जर्व अदर पीपल, बट किसी को भी देख के अभी कभी भी हमेशा ये बात याद रखना लाइफ में, यू नेवर ओवर एस्टिमेट, नेवर एवर ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ एंड नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। दोनों का मतलब समझते हो? खुद को कम नहीं बताना, ज्यादा भी नहीं बताना। अपने आप से, अपने आप से बात करना सीखो। यू शुड लर्न टू टॉक टू योरसेल्फ ऑलवेज, वंस इन अ डे एक टाइम निकालो व्हेन यू शुड टॉक टू योरसेल्फ एंड गो थ्रू द होल रूटीन। जैसे रात को घर पे बैठे हैं या अभी ऑफिस से निकले घर जा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, यू हैव गॉट योर ओन टाइम, यू हैव गॉट योर ओन स्पेस, जस्ट टॉक टू योरसेल्फ। जरूरी जबान खुल की बात करनी है। थॉट प्रोसेस थ्रू द मॉन्टाज शॉट्स, थ्रू द विजुअलाइजेशन, थ्रू फोटोग्राफ्स, दिमाग का। जैसे अभी आज फॉर एग्जाम्पल अभी 1 बजे है, सुबह कितने बजे उठे आप, जो भी मैं 5 बजे उठता हूँ, आप लोग 6 बजे उठे, 8 बजे उठे, 8 बजे से लेकर 1 बजे तक का। अभी अगर फटा से अगर 30 सेकंड दूँ आप लोगों को, तो 30 सेकंड में आप आराम से वो सो सकते ना। उठी, उठने के बाद तैयार होकर डैडी को मिली, डैडी के साथ मिलकर फिर स्टेशन गई, स्टेशन से निकल के फिर कैसे दोनों गए रिक्शा में भटके वहाँ पे गए, ये रिकॉल वैली किया, वहाँ से यहाँ पहुंची, यहाँ दरवाजा खुला, अंदर आके बैठे, हम लोग यहाँ पर बैठे, बात किया, सब कुछ किया। दिस इज वॉट कट 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 कर रिकॉल वैली हुआ। मैंने तुम्हारा बताया जो मैं बोल रहा था ऑटोमेटिकली उसकी फोटोग्राफ्स हमारे सामने आ रहे थे, सिंपल है। दैट्स वॉट ये हर बात करना जरूरी होता है। एंड व्हेन यू ऑब्जर्व अदर पीपल ऑलवेज गो एंड लर्न बोथ द साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों? ताकि हमको पता है कि हाँ भैया अच्छी चीज अच्छी है, देख अपने काम है। नेगेटिव ये भी बहुत अच्छी है, सीख लिया ये करने का, देखा अरे गलत करता है, अच्छी है, मेटा की रिपीट करो। नेगेटिव पॉइंट मेरे को देखना जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हो, नहीं यार छोड़ना देता, ये फालतू आदमी है। अरे ये फालतू आदमी क्यों है, वो तो जाके स्टडी तो करो उसको, जरूरी नहीं है उसका तुम टाइम बिताओ, उन्हीं बार एक्शन भी स्किल प्रॉपरली सब कुछ। वेन यू गो टू द कॉलेज, वेन यू गो आउट, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, वेन यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस योर कैमरा स्टार्ट फॉलोइंग यू, यू हैव टू, तो आप अपने आप का अपनी जो आंख है यू शुड ऑलवेज ऑब्जर्व एवरीवन एवरीबडी। बस में देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स, जैसे आपको एक्टिंग फील्ड में जाना, आपको मॉडलिंग फील्ड में जाना है ना, आपको आप लोगों को नॉर्मल पर्सनैलिटी डेवलप करनी है कि नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बनानी है, अंडरस्टैंड, यू गाइस हैव टू ऑब्जर्व एवरीबडी, यू नेवर नो कौन सा कैरेक्टर कब कहां पे बार काम आए, लोगों की क्या कैरेक्टरिस्टिक समझ में आती है। सो दैट्स हाउ योर ऑब्जर्वेशन स्किल बिल्ड अप। द मोर यू ऑब्जर्व द मोर, जितना कॉन्सेंट्रेट करोगे उसके ऊपर, जितना एम्फेसाइज करोगे उस चीज के ऊपर क्यों हो गया। अगर मैं अभी इनके ऊपर फॉर एग्जाम्पल श्रीराम बैठा हुआ, अभी इसको अगर मैं ऑब्जर्व करने लगू तो मैं इसकी अगर ऊपर से देखूँ हाथ और पैर कैसे करके बैठा हुआ, हाथ कैसे पकड़ के रखा है, टाइम ये वो, अभी इसमें धार रखा हुआ है, बालों का स्टाइल कैसा है कि नहीं, जब यहाँ पे खड़े थे तो कैसी स्टाइल से खड़ा था, किस तरह से बात कर रहा था। तो दिस इज ही इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स फॉर मी, सेम लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप लोग सब मिल रहे के कैरेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट, एवरीबडी इज यूनिक हो गया, सबकी पर्सनैलिटी अपनी है ना, तो एक सब में एक यूनिकनेस है। बट लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई एम ऑब्जर्विंग यू ऑल एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम यू ऑल।
मेरा काम है सिखाने का, बट लेकिन मेरा साथ ही साथ मेरा काम है लाइफ लॉन्ग सीखने का. द मोर आई इंटरेक्ट विद पीपल द मोर आई लर्न, ताकि मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाए. जितना मैं लोगों को सिखाने में मजा आता है मेरे को, उतना मुझे सीखने में ज्यादा मजा आता है. वो आप लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन मुझे पता है कि मैं और बैक ऑफ माई माइंड मेरे कितना मेरे को फायदा होता है सीखने. पैसे की बात अलग बट लेकिन वो सीखने का एक अलग ही नॉलेज हो, वो एक अलग ही पैशन. वो कहते हैं सलमान किसी में अधिक केक, वो केक मिलता है. तो बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया कि ऑब्जर्वेशन लिसनिंग, जैसा अभी मैं जिस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा था, दैट्स लाइक मोर ऑफ अ लिसनिंग 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 पक 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 पक. यू शुड बी अ गुड लिसनर. लोग कहते हैं ना कि भाई अपनी जबान खोलने से पहले एक बार अच्छे से सुन लो सामने वाले को. यू नेवर नो कि आप अपनी जबान से क्या कहने वाले हो, क्या कह दोगे, किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा. सोच समझ के बोल, तोल मोल के बोल, लेकिन जबान बंद रख. तंगी जो भी है, इंसान बिना सोचे समझे बोलता है, वेरी स्पॉन्टेनियस होता है, ही इंटरेक्ट कर लेता है. लेकिन इट्स बेटर टू लर्न दैट आर्ट. आई एम ऑल्सो शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा आता है. आजकल तो माहौल के साथ उभार कर, अभी नाउ वी आर इन अ कूल एनवायरमेंट ना, जैसे ही कुछ बाहर निकल गया तो कितनी गर्म, हल्का सा और धूप में 5 मिनट चल लूंगा तो इरिटेट हो जाऊंगा. बीइंग ह्यूमन प्रैक्टिकल है कि नहीं. जहाँ हल्का सा रिक्शा वाला आ गया, कुछ आ गया, फटाक से सीधा उसके शुरू होने के बाद, चाहे उसकी कितनी भी तकलीफ हो या कुछ गलती हो गई, उसे उसकी जरा से भी गलती ना हो, बट लेकिन उसके सुनने के पहले मैं आप अपना एक्शन करूंगा. तेरी माँ दिखता नहीं हो नहीं ना टोटली अंडरस्टूड. सो एट द एंड ऑफ द डे यू शुड आल्सो लर्न टू लिसन लिसन लिसन. एक बार सुनने में क्या जाता है, सुन लो भाई सामने वाले, चाहे आप क्लासरूम में बैठ के करते रहो या कोई कोर्स कर रहे हो तब कर लो. जैसा भी आप मेरे से सुन रहे हो तो आप मेरे को सुन रहे हो अच्छे से, है कि नहीं. तो सुनना बहुत जरूरी है. कोई कोई लोग सोचते हैं कि आप क्या सुनने के लिए आएंगे यहाँ पे. बेसिकली जब तक आप सुनोगे नहीं तो सीखोगे क्या. अगर सोचो अगर आप म्यूट हो जाओ ऐसी बॉडी है, बेसिकली बॉडी लैंग्वेज सिखाने लग जाओ, ऐसा टर्न मारना, ये करना, ये सब कुछ है ना, तो क्या करोगे आप. समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा. बोले ये क्या जोकर है, तो क्लाम नहीं है. इज़न्ट इट, सो एवरीथिंग गोज वेल व्हेन यू ऑब्जर्व व्हेन यू लिसन. तो ये ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग एक पावरफुल होती है ना, सो ऑटोमेटिकली यू गाइस बिकम मोर कॉन्फिडेंट टू एक्ट. दैट्स वेयर हाउ योर फीलिंग गेट्स रिलैक्स्ड. आपका ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, आपकी वो जो पढ़ने की प्रेजेंटेशन की है ना, लिसनिंग के अंदर कि आप खुद पढ़ो और उसको लिसन करो. स्कूल में तो सीखा होगा ना कि व्हेन यू रीड, व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू डू बाहर करते हो तो पढ़ो लाउड, सो दैट यू हियर योर ओन वॉइस. व्हेन यू हियर योर ओन वॉइस टू रीड, फॉर एग्जाम्पल, यस यू लुक अमेजिंग बट इट टेक्स मोर देन अ ब्यूटी. मैं अपने आप से बात कर रहा हूं. यस शबी यू लुक अमेजिंग बट इट टेक्स मोर देन अ ब्यूटी. मुझसे अच्छा टीचर कौन होगा मुझको सिखाने वाला. कभी अपनी फीलिंग को कैसे अटैच करूँ, यस हाँ यस यू गाइस लुक अमेजिंग बॉस, खूबसूरती है, सब कुछ है, बट लेकिन नहीं उससे ज्यादा अच्छी है. आ रहा है डिफरेंट फीलिंग के साथ आ रहा है. मैं रट्टा मार के तो नहीं बोल रहा, ये होता है जब ऑब्जर्व करते हो अपने आप को और अपने आप को ही लिसन करते हो. ये तो स्कूल में सीखा होता था तो बेसिकली व्हाट आई डू फॉर माय फिटनेस ट्रेनिंग वही करता हूं जो स्कूल में जो पीटी में करता था. ट्रस्ट मी, बहुत कम लोगों को जिम की बताता हूँ कि जिम करना चाहिए था वेट गेन करना. बाकी लोगों को मैं बहुत समझ आए, बाकी लोगों को किसी को भी मैं नहीं करता. I always try to tell them to start with the gym, start मतलब आपको जो भी करना है कार्डियो करो, गार्डनिंग करो, है कि नहीं. Until unless मेरे साइज का मेरे स्टाइल का कुछ है, फॉर एग्जाम्पल ये है, मैं बोलूंगा कि आप चलो मॉडलिंग करनी है उसके हिसाब से देन यू स्टार्ट फॉर अ वेट गेन. कि वो इंडस्ट्री वो उस पैटर्न के हिसाब से. अभी अगर नीरव को करना है फिटनेस ट्रेनिंग करनी है, मेरा उसको क्या बोला है, जिम तो जाना भी नहीं,
वेट ट्रेनिंग की तो तुमको जरूरत ही नहीं है, जो ट्रेनिंग करनी है वो उसके हिसाब से करनी है। सो गाइस देयर आर डिफरेंट टाइप्स, यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंट टाइप्स इन दिस ग्लैमर इंडस्ट्री, वी हैव गॉट मॉडलिंग, वी हैव गॉट एक्टिंग, वी हैव गॉट ओनली दिस टू थिंग्स, बट उसके अंदर बहुत सारी वेरिएशन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मॉडलिंग के अंदर देखा जाए तो मॉडलिंग के अंदर करने के लिए आपके पास स्टिल फोटोग्राफी है, म्यूजिक वीडियोज है, एंड कमर्शियल्स है, एंड फैशन शोज है, एंड उसके बाद अगर एक्टिंग फिल्म आज हो तो वेब सीरीज है, टीवी सीरियल्स है, फिल्म है, शॉर्ट मूवीज है, काफी दोनों इंडस्ट्री है, दोनों को मिला दो तो जाके एक मीडिया हो गया, ये एक मीडिया का हो गया। जैसे आप उसमें चले जाओ कॉर्पोरेट लेवल में चले जाओ, कॉर्पोरेट लेवल में आप लोग के अंदर एचआर डिपार्टमेंट ना, फिर बाद में मार्केटिंग डिपार्टमेंट ना, सेल्स डिपार्टमेंट ना, फिर अपना एडमिन डिपार्टमेंट, सब अलग अलग है, वो अलग अलग फील्ड सेम चीज।